गाइस, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। सो हम फिर से बैक आ चुके हैं अपने नेटवर्क, जो हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हमारा सब्जेक्ट था, उसके जो भी हम लोगों ने ब्लॉक वन को कंप्लीट किया था, उसके दो क्वेश्चंस रह गए थे, जो कि यूनिट 4 का था। दो क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड ऑप्टिकल और मल्टीवेव का जो था हमारा डिफ्रेंशिएशन करना था, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से कहेंगे पहले कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मोर वीडियोस अवेलेबल है। सो जो हमारा थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, जितने भी हैं MCBSE के स्टूडेंट्स, सारे अवेलेबल है वीडियोस, और आगे वीडियोस आते रहेंगे भी आप लोग के डिमांड पर। सो ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है? एक तरह का ये केबल है, ठीक है, जो कि इसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कह सकते हैं। यू नो, फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिक केबल इज़ अ नोन एज अ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। एंड असेंबलर टू सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल केबल, ये एक थोड़ा सा सिमिलर होता है, मतलब एक जैसा दिखता है इलेक्ट्रिकल केबल की तरह, ठीक है, बट कंटेनिंग वन एंड मोर ऑप्टिकल फायर दैट आर यूज टू कैरी लाइट। यू नो, ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है। एंड द ऑप्टिकल फायर ऑप्टिक एलिमेंट्स आर टिपिकली इंडिविजुअल कैटिवेटेड विद प्लास्टिक लेयर एंड कंटेनिंग इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूब्स सुटेबल फॉर द एनवायरमेंट एंड वेयर द केबल इज यूज, ठीक है। एंड वो इस डिपेंड करता है, मतलब एक प्रोटेक्टिव से ट्यूब वगैरह होता है, ऑब्वियसली होना चाहिए हर सारे केबल्स में, ताकि पर्सन को आपको थोड़ा सा यू नो सेफ महसूस हो, ठीक है। तो जो कि वो डिपेंड करता है कि आपका केबल कहाँ यूज़ हो रहा है, ओके। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ केबल आर यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज लॉन्ग डिस्टेंस एज अ टेलीकम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ हाई स्पीड डेटा कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, यू नो, ठीक है। तो ये था हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट बिटवीन मॉड एंड मल्टी मॉड ऑप्टिकल फायर, ठीक है। हमको नहीं पता, हम थोड़ा सा कन्फ्यूज थे इस चीज़ को लेकर कि सिंगल मॉड फाइबर और मल्टी मॉड फाइबर को किस तरीके से हम आप लोग को प्रेजेंट करें, बिकॉज ये थोड़ा सा डेरिवेटिव सा है। सो देख सकते कि फाइबर फ्यूचरिंग अ स्मॉल लाइट कैरिंग अ कोर अबाउट 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ये जो सिंगल होता है ना, वो 9 माइक्रोमीटर के डेरिवेटिव में यानी डायमीटर में वो खुद को रिफ्यूज करता है, ठीक है। एंड फॉर रेफरेंस अ ह्यूमन हेयर इज क्लोजर टू 100 mm, ठीक है। बट वहीं पे आपको कहता है कि ये जो मल्टी मोड फाइबर होता है वो कोड करता है 50 pm को, एंड उसके भी एवर्ब हो सकता है। ये लार्ज कोड मीन्स मल्टी मोड्स को ये कनेक्ट करता है एज अ रे लाइट, ठीक है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ठीक है, ये हमारा ये जो ब्लॉक का ब्लॉक वन का जो लास्ट दो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक टू में, जहां आपको यूनिट वन और आपको बताया जाएगा कि बाकी सारे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, जैसे कि पता है कि टारगेट बैच टाइप से चल रहा है, एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन वीडियोस को डालने का, क्योंकि मैं खुद ही अभी बहुत ही बिजी चल रही हूँ। सो रिक्वेस्ट की वजह से आप लोग का जो भी ये प्यार सपोर्ट कहते हो आप लोग, वो है, इसलिए मैं इतना कर पा रही हूँ। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पेज पे। कहता है कि डिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, मिस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ये सारे को मैं कन्वर्ट करूँगी एक एक करके। पहले आप ये देखो कि ये यूनिट वन है, ब्लॉक टू का ये यूनिट वन है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? इट इज़ इजी टू सेट एंड हैंडल एंड इम्प्लीमेंट, यू नो वॉट, कि ये थोड़ा सा बस टोपोलॉजी जो है वो ईजी होता है बाकी अदर टोपोलॉजी से, जैसे रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया। और एक और बात याद रखना कि ये जो बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी का जो डायग्राम वगैरह है कंप्यूटर वाला, वो आप लोग बिल्कुल भूलना मत ड्रॉ करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर अ स्मॉल नेटवर्क. यू नो ये बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल होता है, पोर्टेबल होता है एक स्मॉल नेटवर्किंग के लिए. यू नो एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट, मतलब जो इसका कॉस्ट होता है बहुत ही लेस होता है, चीप होता है. यू नो और डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है कि तो केबल ऑफ लेंथ इज़ लिमिटेड. यू नो लेंथ इसका कुछ ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि हम लोग देखें कि एक सूटेबल बेस्ट स्मॉल नेटवर्क के लिए प्रॉपर अच्छे से वर्क करता है. तो इसकी एक डिमेरिट यही है कि अब ये लॉन्ग लेंथ में वर्क नहीं करता. ठीक है, दिस नेटवर्क टोपोलॉजी कैन परफॉर्म वेल ओनली ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स. ये थोड़ा सा लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स पे वर्क करता है व्हेन द नंबर डिवाइस कनेक्टेड टू द बस इंक्रीज एंड एफिशिएंसी डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज. सो देखते हैं कि रिंग टोपोलॉजी हमारा क्या कहता है. रिंग टोपोलॉजी एक्चुअली होता कैसा है कि एक सर्कल होता है एंड उस सर्कल में वो काम करता है. ठीक है, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होता है कि एक सीक्वेंस वाइज ये जाता है. ठीक है, उसमें एक छोटा सा पाइप रहता है, यू नो केबल कह सकते हो आप उसको, और वो उससे थोड़ा निकला निकला सा जो भी नोड्स होते हैं हमारे वो होते हुए. ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है कि द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड बिटवीन टू नोड्स पासिंग थ्रू ऑल इंटरमीडिएट नोड्स एंड अ सेंट्रल सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ द टोपोलॉजी. ठीक है, ये क्या कहता है कि ये जो डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड करता है बिटवीन टू नोड्स, यू नो वो एक टू नोड्स पे ट्रांसमिटेड करता है आपके डेटा को, एंड सेंट्रल सर्विस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कि अगर आपका एक नोड ऑफ हो जाता है तो उससे आप डेटा नहीं कनेक्ट कर सकते हो, आप उसके डेटा को दूसरे नोड्स में कंप्लीटेड नहीं ले सकते हो. ठीक है, एज अ कंपेरिजन स्टार टोपोलॉजी से ये लेस होता है, मतलब इसकी कॉस्ट लेस होती है स्टार टोपोलॉजी से. बस जो हमारा बस टोपोलॉजी है उससे हाई होता है थोड़ा सा. एंड इन कंपेरिजन ऑफ बस अ रिंग इज द बेटर देन अ हैंडल लोड. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट मेश टोपोलॉजी क्या कहता है. द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क नोड्स इज सच दैट इज अ पॉसिबल टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम टू वन नोड्स टू मैनी अदर्स नोड्स एट अ सेम टाइम. जैसे कि मैंने अभी ऊपर आप लोग को बताया कि ये जो रिंग टोपोलॉजी है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, मतलब एक दो नोड्स के बाद वो रिक्वायर्ड, जैसे मान लो आपका दो तीन हमारे पास नोड्स है एंड उसको बीच का जो हमारा सेंटर पार्ट ऑफ हो जाता है तो वो जो डेटा ट्रांसमिट करता है एक दूसरे में वो रुक जाता है. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे ट्रांसमिट को एक साथ एक एक टाइम पर ये बहुत सारे डेटा को यू नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाता है. एंड द फेलियर ऑफ अ सिंगल नोड डज नॉट कॉजेज अ इंटायर नेटवर्क टू फेल एज अ देयर आर अल्टरनेट पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन. ठीक है, बट लेट्स इट कैन बी हैंडल टू हैवी ट्रैफिक एज देयर इज अ डिसाइडेड डेडिकेटेड पार्ट्स बिटवीन एनी टू नो नेटवर्क नोड्स. बट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ नोड्स मेक इट ईजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट. ठीक है, ये थोड़ी से हो जाता है. एंड देन कि अगर हम डिसएडवांटेज को देखें तो ये जो हमारा कैपेबली रिक्वायर्ड होता है इसका वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है एंड सेटअप में मेंटेनेंस भी हाई हो जाता है क्योंकि ये लॉन्ग लेंथ में होता है. एंड इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है. देन कि ये कॉस्टली भी होता है बाकी सबसे. एंड ओइंग टू कम्प्लेक्सिटी द एडवेंटेशन ऑफ मैश नेटवर्किंग डिफिकल्ट. ओके, एंड देन कि हम देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है. स्टार टोपोलॉजी को हम कह सकते हैं कि एक स्टार जो होता है ना, फाइव फाइव वाला जो स्टार होता है, सेम एज इट इज़ वो स्टार उसी तरीके से वर्क करता है. ठीक है, फाइव उसमें हो सकते हैं कि आपके पास नोड्स हों, बट वो जो उसका नेचर होता है थोड़ा सा रूड हो जाता है बिकॉज कि ड्यू टू आवर सेंट्रलाइज नेचर टू द टोपोलॉजी ऑफर टू सिंपली सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन. एंड देन कि वी हैव टू इट्स ऑल्सो अचीव आइसोलेशन ऑफ द ईच डिवाइस इन नेटवर्क. ठीक है, बट वेन वी एडिंग एंड रिमूविंग नेटवर्क नोड्स इज
इज इजी एंड कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग एनी इंटायर नेटवर्क. हम लोग जो भी यू नो एडिंग और रिमूविंग का नेटवर्क म्यूजिक ईजी वे में हो जाता है. एंड देन कि जो हमारा फॉल्ट होता है नेटवर्किंग साइज में, वो भी एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करता है. और ये जो हमारे डिसएडवांटेज होगा वो नेटवर्किंग ऑप्शन ऑपरेशन के डिपेंड ऑन द फंक्शनल फंक्शनिंग ऑफ अ सेंट्रल हब्स हो जाता है. आप हब्स के बारे में पढ़े होंगे बीसीएस 11 में फर्स्ट सेमेस्टर में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड द सेटअप इज़ वेरी क्विट हाई स्टार टोपोलॉजी के मुकाबले. स्टार टोपोलॉजी बाकी अदर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट का डिमांड करता है एंड ये थोड़ा सा हाई होता भी है. नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी. आप ट्री टोपोलॉजी बाकी सब तो सुने ही होंगे बाकी सेमेस्टर में, पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में, कि स्टार टोपोलॉजी सुने होंगे, बस सुने होंगे, हब्स, मॉडर्न रिंग, ये सारी चीज़ सुने होंगे. बट ट्री टोपोलॉजी, व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी तो मैंने कभी सुना ही नहीं. या सो ट्री टोपोलॉजी, इसके लिए भी बहुत सारे रिक्वायर्ड आया था कि ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, आप प्लीज़ ट्राई करो, रिक्वायर्ड करो, बात करो इस चीज़ पे. तो मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए वीडियो. ट्री टोपोलॉजी, व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? द ट्री इज द टोपोलॉजी इज यूजफुल इन केस वेयर आर स्टार एंड बस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एंड इंडिविजुअली. ट्री टोपोलॉजी कब वर्क करता है अगर इसका एडवांटेज देखा जाए तो? आप एडवांटेज देखते हो ना, तो आपको दो चीज़ क्लियर हो जाता है कि आप डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं, डिफिनीशन दे सकते हैं उसमें से, और आपके पास ये तो एडवांटेज है ही डिसएडवांटेज को प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो अब क्या कहता है कि द ट्री टोपोलॉजी यूज इन केस, यूजफुल इन अ केस. ट्री टोपोलॉजी तब यूजफुल होता है जब स्टार और बस टोपोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली. ठीक है, इच स्टार सेगमेंट गेट्स डिसाइडेड डेडिकेटेड लिंक फ्रॉम द सेंट्रल बस, यू नो, एंड थस द फॉलिंग ऑफ वन सेगमेंट डज नॉट अफेक्टेड द बेस्ट ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, बट फॉल्ट इज वॉट, कि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज ईजी. ठीक है, बहुत ही पहचानना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. एंड द नेटवर्क रन एक्सपेंडेड बाई द एडिशन ऑफ अ सेकेंडरी नोड्स. ठीक है, ये था हमारा यूनिट वन. एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को मैंने कवर कराया था, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में ये सारे डाले हुए थे कि आपको यहाँ दिखेगा कि मैंने करवाया था कि आपके क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है इन सब के सोल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि अगर आप लोग चाहते हो तो मैं सोल्यूशन लाऊंगी, और यही सोल्यूशन है हमारा. तो हम अब बात करेंगे यूनिट टू के बारे में, जहाँ हम OSI मॉडल और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. बात करते हैं यूनिट टू के बारे में. इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मिलेगा कि OSI मॉडल क्या होता है. OSI मॉडल है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है. ठीक है, यू नो ये होता है एक ओपन सिस्टम होता है जहाँ के आप आके ट्रांसलेट कर सकते हैं कंप्यूटर के जो भी हमारा लैंग्वेज को सीखता है. सो इट इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम. बट द OSI मॉडल कैरेक्टराइज कंप्यूटिंग फंक्शन इंटू अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द रूल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्डर और ऑर्डर टू सपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर. एक कनेक्टिविटी होता है, एक जो ना एक लेयर होता है जो कि आप पहले जो कि एक किसी कंपनी में आप जाते हो तो पहले आप पहले ये इसको देखो. पहले आप किसी कंपनी में जाते हो, एक एप्लीकेशन देते हो, है ना. आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो एक एप्लीकेशन देते हो, डालते हो, एक रजिस्ट्रेशन करवाते हो, देन उसको प्रेजेंट होता है, फिर एक सेशन होता है आपके साथ, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे लोगों के पास, फिर एक नेटवर्क बिठाया जाता है, डेटा लिंक होता है, फिजिकली आप मिलते हैं उनसे. ठीक है, तो इसी तरीके का ये OSI मॉडल भी है. और आपको ये जो चीज़ है आपको याद कर लेना है, बिकॉज कि ये आपको बनाना होगा और आपसे OSI मॉडल पूछता है, क्योंकि ये लेयर है इसके, तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करना, बना लेना, मार्क्स प्रॉपर अच्छे से मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ
टेलनेट, FTP एंड NFS, DHCP, BOOPT एंड SNMPAT, ये सारी चीज़ एप्लीकेशन लेयर है जो कि आप मिस मत करना। और इस चीज़ को मैंने बता रखा है कि ब्लॉक 2 की यूनिट 2 के पेज नंबर 28 में है, आप जाके उस चीज़ को रट लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।